हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोल्ड की कोई भी स्मार्ट वॉच को कैसे फ़ोन से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, मैटर नहीं करता कोई भी वॉच हो बोल्ड की, आप उसको फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। आपको बस स्टेप्स फॉलो करने। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से सर्च करना है बोल्ड फिट ऐप के लिए। अगर आप सिर्फ बोल्ड भी सर्च करते हो ना, तो भी यहाँ आपको यही ऐप देखने मिलेगा, बोल्ड फिट ऐप, जो कि इसका मेन ऐप है। तो आपको ये ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज, मैंने ये वाला ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको ऐप को कनेक्ट करने से पहले अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर लूँगा ताकि वॉच कनेक्ट हो पाए। फिर आपको यहाँ जाना है और यहाँ से बोल्ड फिट ऐप पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको जेंडर डालना पड़ता है, फिर बर्थ डेट, हाइट और वेट, ये सब डालना ज़रूरी इसलिए ताकि आपकी जैसे कैलोरीज हो एक्यूरेट आए, वेट के हिसाब से कैलोरीज कैलकुलेट होती है तो एक्यूरेट आएगी। तो आपको ये सब डाटा डालना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। तो आप दो जगह से वॉच को कनेक्ट कर सकते हो, पहला यहाँ से होम पेज से, दूसरा डिवाइस से। तो यहाँ से मैं ऐड डिवाइस पर क्लिक करूँगा। फिर आपको लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है। तो लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करूँगा, नियर बाई डिवाइस को फाइंड करने के लिए क्लिक करूँगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ वॉच फाइंड हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसी वॉच फाइंड होती है आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर मैं आपको होम पेज से पूरे स्टेप्स बताता हूँ। तो यहाँ आपके स्लीपिंग काउंट होती है, स्टेप्स काउंट हो जाते हैं, ऊपर से हार्ट रेट आप ऐप के थ्रू ही मेजर कर सकते हो। पर अब मैं जब इसको बंद करूँगा उसके बाद ये वॉच में शो की थोड़ा लेट शो होता है। फिर यहाँ आप ब्लड ऑक्सीजन चेक कर सकते हो वॉच के थ्रू, देखोगे आप तो लेट शो होती है, तो ये थोड़ा रिस्पॉन्स में लेट आता है इसके। फिर यहाँ से आप देखोगे तो सिटी का मैप, तो गाइज यहाँ जब सिटी का मैप ओपन होगा तो खुद आपकी लोकेशन आ जाती है। फिर जब भी आप वर्कआउट करते हो तो वॉच ट्रैक करती है और आपको फ़ोन भी बताएगा कि आपने कितने किलोमीटर्स का वर्कआउट किया। फिर यहाँ से आपको सबसे पहले तो वॉच को करना है फाइंड, ये चेक करने के लिए कि वॉच कनेक्ट हुई नहीं। वॉच में से आवाज़ आएगी तो आप समझ जाओ कि वॉच फाइंड हो चुकी है। फर्स्ट वॉच फेस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो अपनी वॉच में। तो मैं आपको सबसे पहले ऑनलाइन वॉच फेस लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ आपको नेट ऑन करना ज़रूरी होता है जब भी आप ऑनलाइन वॉच फेस लगाते हो। और यहाँ सारी अलग अलग कैटेगरीज के वॉच फेस होते हैं, जैसे कि यहाँ न्यू वॉच फेस है, आर्ट वॉच फेस है, फनी वॉच फेस है, कलरफुल वॉच फेस आपको देखने मिलेगा, मॉडर्न वॉच फेस देखने मिलेगा, क्लासिक। तो ये सारी वॉच फेस की कैटेगरीज है। सपोज़ यहाँ से मैंने फ़नी वॉच फेस पे क्लिक किया तो यहाँ पूरे फ़नी वॉच फेस आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक रैंडम वॉच फेस आपको लगा के दिखाता हूँ वॉच में। तो मैं ये वाला वॉच फेस लगाऊंगा। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और आप देखोगे तो जब तक नीचे की फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होगा वॉच फेस अपलोड होना स्टार्ट नहीं होगा आपकी वॉच में। और जब भी वॉच फेस अपलोड होगा आपको ना ही ऐप को डिस्कनेक्ट करना है, ना ही वॉच को डिस्कनेक्ट करना है, ना ही फ़ोन से ऐप एग्जिट करना है, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगानी है। तो यहाँ से आपको माय डायल पे जाना है, माय डायल पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एक एक्सेस देनी पड़ेगी, आपने जैसे ये अलाउ कर दिया तो अब बोल्ड फिट ऐप आपकी गैलरी की सारी फ़ोटोज़ रीड कर सकता है। तो इसमें आपकी थोड़ी प्राइवेसी लीक होती है। फिर जैसे आप चूज़ एल्बम पर क्लिक करोगे तो यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस गैलरी में से मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट की है, आप इसको फ्रेम में सेट कर सकते हो, डन पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप फोटो के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो क्लॉक का, जो भी आपको सूटेबल लगती है वो क्लॉक के हिसाब से। तो आपको ऐसा कलर सिलेक्ट करना है जो आपको दिखेगा। तो यहाँ मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप इसको ऊपर या नीचे रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फोटो। फिर आप ऊपर डेट भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप क्लोज रख सकते हो। और जैसे ही आपको डन करना है तो आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे आप जैसे क्लिक करोगे तो अब आपकी खुद की फ़ोटो वॉच में ऐसे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आप ऐसी अपनी खुद की फ़ोटोज़ लगा सकते हो वॉच के थ्रू, और आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी में आई है। तो आप ऐसी कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो अपनी खुद की वॉच में और सेकेंड्स में अपलोड होती है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशन के ऑप्शंस में आप फ़ोन की नोटिफिकेशंस, मैसेजेस गेट कर सकते हो, फेसबुक के मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ गेट कर सकते हो आप अपनी वॉच में। फिर यहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड अलार्म का। तो गाइज आप
कोई भी टाइम का अलार्म यहाँ ऐड कर सकते हो, और जो भी डे पे आपको चाहिए वो आप यहाँ से और टाइम लगा के आप ऐड कर सकते हो, और जैसे ही आप सेव करोगे तो वॉच में अलार्म बजेगा। फिर आप यहाँ से वर्ल्ड क्लॉक ऐड कर सकते हो, यहाँ आपको वर्ल्ड क्लॉक ऐड करने का भी ऑप्शन है वॉच में, आपको यहाँ से जाना है इसके ऐप्स पे, तो यहाँ आपको वर्ल्ड क्लॉक ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, और ऐड जैसे ही करोगे तो यहाँ आपको सारी कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे, और आप कोई भी कंट्री की क्लॉक यहाँ ऐड कर सकते हो और वॉच आपको उसका भी टाइम शो करेगी। फिर आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो वॉच के थ्रू, ये भी काफ़ी नवा और यूनिक फीचर है। तो फोटोज़ क्लिक करने के लिए आपको शटर पे जाना है, और यहाँ से अब आप देखोगे तो यहाँ मैं वॉच पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ फोटो क्लिक हो जाएगी और यहाँ फोटो सेव हो जाएगी गैलरी में, तो डायरेक्ट फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। तो आप ऐसी ही ऐप के थ्रू फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, पर आपको वॉच में बटन दबाना पड़ता है। फिर यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, आपको ई कार्ड का ऑप्शन है, तो आप अपनी बैंक का कार्ड ऐड कर सकते हो, वैसी कंपनी की वॉच है बोल्ड कंपनी की तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हो अपना कार्ड पर। फिर भी जब आप पेमेंट करोगे तो आपको फ़ोन लगता है ये पूरा वॉच के थ्रू बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर यहाँ आपको कॉन्टैक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ आप मिनिमम 8 कॉन्टैक्ट ही ऐड कर सकते हो, मुझे ये भी बात बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वैसे स्मार्ट वॉचेस में कम से कम 100 कॉन्टैक्ट्स तो भी ऐड होते हैं, पर इसमें सिर्फ 8 होते हैं। फिर यहाँ आपको अदर सेटिंग्स मिल जाती है, अदर सेटिंग्स में आप टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो सबसे पहले, क्योंकि टाइम फॉर्मेट देखने में भी काफ़ी इशू आता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ अभी 11:26 हो रहा है, पर जैसे ही ये 12:00 के बाद का टाइम आता है तो अगर 1 बजेगा तो यहाँ 13 लिख के आएगा, अगर यह फॉर्मेट 24 आवर्स का हुआ तो, और 12 आवर्स का हुआ तो यह 1 ही लिख के आएगा। फिर यहाँ से आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो, जो ऑटो स्क्रीन लॉक होती है मतलब 30 सेकेंड पर जो डिस्प्ले लॉक हो जाता है उसका टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो, आप कम कर सकते हो, ज़्यादा पे सेट कर सकते हो। फिर आपको क्विक मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, ये वॉच के थ्रू ही आपको मिलता है, अगर आप वॉच में यहाँ से स्वाइप करते हो तो आपको ये मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन मिलता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऑप्शन में आपको वॉच में ना ही कोई कॉल SMS आता है अगर आपने ऑन कर दिया तो। यहाँ बैटरी सेविंग का भी ऑप्शन है, इसमें आपकी वॉच की बैटरी लाइफ 1 से 2 दिन से बढ़ जाती है अगर आपने ये ऑन कर दिया तो। फिर आप वेदर के भी पूरे अपडेट्स ले सकते हो अपनी वॉच में, आपको पूरे अपडेट्स वेदर के मिलेंगे, आपको बस यहाँ से अपनी सिटी ऐड करनी पड़ती है। फिर यहाँ आपको हेल्थ में यहाँ हार्ट रेट आप ऑन कर सकते हो कि हार्ट रेट एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स या 30 मिनट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। फिर यहाँ रिमाइंडर आता है, तो आप रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हो, अगर आपकी हार्ट रेट 195 BPM के ऊपर गई तो आपको वॉच रिमाइंड करेगी अगर आपने फीचर ऑन कर दिया तो। फिर यहाँ आपको अलग अलग रिमाइंडर मोड के ऑप्शन मिलते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ आपको ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिलता है, आप वो भी ऐड कर सकते हो, और रीसेट अगर आप करोगे तो आपकी वॉच का पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, आपने जो भी स्टेप्स लिए जो भी वॉच फेस लगाया वो सब डिलीट हो जाता है, और यहाँ से आप वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। और गाइज आपको स्टेप का टारगेट सेट करने के लिए यहाँ जाना है, और यहाँ जाने के बाद आप स्टेप का टारगेट यहाँ से सेट कर सकते हो, कैलोरीज और टाइम। तो गाइज ये थे पूरे फीचर बोल्ट फिट ऐप के, तो आप कैसे अपनी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करोगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।